स्थान पर नहीं रहता था। आदि मानव एक जगह या स्थान पर नहीं रहता था। ये बहुत जरूरी है याद रखना। अब विकास हुआ, विकास का माने क्या कि आदमी अनाज उगाना सीख लिया उसने। उसने देखा, कैसे सीखा होगा, कोई हमको एक सोच के बताए कि अनाज उगाना कैसे सीखा होगा उसने। गेहूं उगाना, कैसे? फिर सोचो कि कुछ मिला होगा, जैसे मान लो आम खाए, आम से चलो चलते हैं, ठीक दिया होगा। कुछ दिनों बाद उसको आम के छोटा सा पौधा दिखा होगा, उसको लगा अरे वाह। फिर कुछ दिनों बाद और बड़ा हो गया होगा और वो पौधा बड़ा होके फिर से आम देने लगा, तो उसको ये बुद्धि आई, ये तो बीज है, ये आम की गुठली जो है उसमें फिर से एक आम का पेड़ निकल सकता है। इसी तरह हर तरह की चीजों के लिए उसने कोशिश की होगी। ऐसे ही कोई गेहूं का खेत होगा या कोई किसी अनाज का पेड़ होगा, उसका बीज गिर रहा होगा नीचे, उसमें से फिर से पेड़ निकल रहे होंगे, ऐसे उसने सोचा होगा। ऐसे ये हम लोगों ने देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही उसने खेती करना सीख लिया। जब खेती करना सीख लिया, खेती करना, अच्छा इसकी तस्वीर आप लोग बना सकते हैं। हर जंगल, जैसे जंगल बना दीजिए, जहां लिखिए वहां जंगल पे एक आदमी बैठा हुआ। अब खेत है तो खेत बना दीजिए, ऐसे छोटे छोटे खेत बन जाए तो आपको याद करने में आसानी होती है। जहां पिक्चर बन जाती है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना पिक्चर हो, उसके बालियां गेहूं की बना सकते हो। बनाने आती है हम तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं, इसमें आपको बताने के लिए आप इसको सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। खेती करना सीखा और एक ही जगह पर, एक जगह पर रहने लगा। अच्छा, खाने के साथ साथ और क्या जरूरी होता है जीने के लिए? पानी बहुत जरूरी है। तो याद सोच के बताओ कि आदि मानव कहां पर ज्यादा रहता होगा? पानी के पास हमेशा। नदी होगी या तालाब होगा या झरना होगा, उसके आसपास ही उसने अपना घर बनाया होगा। गुफा ढूंढी होगी, फिर उसने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लगा के एक छोटा सा ऐसे शेल्टर जैसा, जैसे तंबू होता है वैसे पहले शुरू किया होगा पत्तों से ढक के। फिर उसको लगा होगा इसमें पानी गिर रहा है तो चलो उसको कुछ और अच्छा करते हैं। ये सब अपनी बुद्धि का विकास आदमी का होता रहा और उससे वो अच्छे से अच्छा घर बनाने लगा और एक जगह पर घर बनाना सीख लिया। अब कुछ समझ में आ रहा है कि पहले कैसा था? अब हम आदि मानव के विकास की कहानी जब सोचेंगे तो हमेशा ध्यान से एक क्रम में सोचें। एक ये क्रम है, पहले आदि मानव कैसा था और उसका वेशभूषा, उसकी शक्ल कैसी थी, बाल कैसे थे। ये आपकी किताब में भी बहुत अच्छी इसकी पिक्चर दी हुई है, हमने आपको दिखाया भी थी पिक्चर इसके, आदि मानव की यहाँ कैसे चलता था, बंदर जैसा, भालू जैसा लगता था। फिर वो एक ही जगह पे रहने लगा, एक जगह पे। अच्छा, दूध पीना कैसे सीखा होगा जानवरों का? सोचो सोचो, शर्माने की बात नहीं है कोई, बहुत बड़ी बात है। कैसे उसने दूध पीना, दूध पीने से ही जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी चीज है, इस वजह से हमने दूध पीना कहा। गाय देखी होगी, गाय के बछड़े को देखा होगा, बछड़ा दूध पीता है, या कोई भी जानवर, बंदर है, बंदर भी दूध पिलाता है, आदमी औरत भी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसने देखा होगा, उसने सोचा होगा ये जो दूध पीते हैं, जब भूख लगी है कुछ नहीं है तो गाय का दूध ही चलो पी ले, हो सकता है ऐसे? तो गाय को उसने पकड़ के रख लिया होगा अपने पास। तो जानवर पालना सीखा उसने, बकरी है, गाय है, जो दूध देते हैं उनको अपने पास उसने बांध बांध के रखना सीखा कि वो भाग ना जाए, अपने पास रहे, और उनको भी खाना पीना खिलाने लगा, चारा बनाने लगा उनके लिए, और एक जगह पर रहने के लिए घर बनाया। घर बनाने के साथ जानवर पाले, खेती करना सीखा और जानवर पाले। कौन कौन से जानवर पालते हैं हम? और क्या जरूरत होती है? और सारे जानवर भी, बैल, बैल से उसने गुड़ाई की होगी, खेती कराने में मदद की, और क्या बोलो बोलो? हाँ हाँ, शर्मा नहीं बोलो, बहुत अच्छी बात बोली थी। कुत्ता, कुत्ता क्यों?
कुत्ता क्या करता है? आपने आजकल के जमाने में भी देखे ना कुत्ते पाले हुए, रखवाली करता है। कुत्ता इतना वफादार जानवर होता है कि अगर आप उसको कुछ खाना दे दें तो अगर आपके घर में कोई घुस रहा है तो वो जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता बताता है कि कोई आ रहा है, कभी कोई जानवर ही आ रहे होंगे तो बताने लगता, तो उसको लगा होगा कुत्ता तो बहुत अच्छा जानवर है। ठीक है, ऐसे और कौन से जानवर पालते हैं हम लोग? अभी भी तो पालते हैं, सोच के बताओ। घोड़ा और गधा, खच्चर, क्यों पालते हैं? घोड़ा गधा खच्चर, ऊंट, सवारी करते हैं और क्या करते हैं? घोड़े से, बैल से, ऊंट से, गधे से और क्या करते हैं? सामान ज्यादा भिजवाते हैं। जब बहुत भारी चीज है तो उसके ऊपर लाद देते हैं और उसको लेके चलते हैं, क्योंकि आदमी जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है, घोड़ा जो है बेचारा वो कम बुद्धिमान है, आदमी इसके मुकाबले में उसकी बुद्धि कम है, इसलिए वो उसके काबू में आ जाता है, उसको काबू में, जानवरों को काबू में करना सीख लिया उसने। अच्छा, और सबसे जरूरी जिसपे हम लोग यहाँ पर स्टार लगाएंगे, ठीक है, जब हम ये लिख लेंगे, समझ लेंगे तो आप लोग भी लिखेंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे और यहाँ पे एक बढ़िया सा सबसे जरूरी चीज उसने क्या खोजी? क्या खोजी? आग। आग, आग की खोज। आग की खोज सबसे जरूरी क्यों हम कह रहे हैं बताओ? सब लोग बताओ, ये चुप रहेंगे तो फिर हम भी चुप हो जाएंगे। आप लोग बताइए, आपको पता है, सबको पता, आग की खोज क्यों की? क्यों हम कह रहे हैं? आग की खोज तो जैसे भी हो गई, चमका, तो उसको हम बहुत जरूरी क्यों कह रहे हैं कि बहुत जरूरी खोज? क्यों? जल्दी से बताओ, घंटी बज रही है। आग की खोज जरूरी है कि नहीं ये बताओ पहले। है, खाना आग के बगैर हम लोग नहीं बना सकते। बना सकते अभी नहीं बना सकते ना, गर्म करने के लिए, पकाने के लिए हमको आग चाहिए। और किस लिए चाहिए होती आग? और किस लिए आग चाहिए? बर्तन बनाने के लिए, वेरी गुड। और जब ठंड लगती है बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं आग चाहिए होती है? आग तापने के लिए। आग तापने के लिए, जब आग हीटर नहीं बना था तो आग लकड़ी जला के तापते थे, गांव में अभी भी तापते हैं लकड़ी जला के, ना? जब खाना बना लेते हैं उसी के पास बैठ जाते हैं, जहां पे चूल्हा जलता रहता है वहीं बैठ के खाना खाना जाड़े में पसंद आता है, क्योंकि गर्मी मिलती रहती है। आग से गर्मी मिलती है और गर्मी जरूरी है जहां पे बहुत ठंड हो जाती है आदमी को जीवन के लिए, नहीं तो ठंड से मर जाएगा इंसान। ठंड से भी मर सकते हैं, होता है ऐसे, बहुत ठंड लगती है तो आपको कुछ नहीं समझ में आता और आप एकदम ठिठुरने लगते हैं, मर भी सकते हैं। आग हमारे खाना बनाने के काम आती है, आपको गर्मी देने के काम आती है, बर्तन पकाने के काम आती है, मिट्टी के बर्तन में उसको गूंद के भट्टी में डाल के पकाया जाता है तो मजबूत हो जाते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी, वैसे अगर पानी आप कुल्हड़ में कच्ची मिट्टी में पानी भरेंगे तो क्या होगा? एकदम पिघल जाएगा, कच्चा घड़ा है तो एकदम पिघल जाएगा। उसको हम पका लेते हैं, टन टन आवाज आती है उसमें, देखा है सबने? तो पकाते कैसे हैं? आग से। आग इसीलिए मानव के विकास में बहुत ज्यादा उपयोगी चीज बन गई। और आग के साथ साथ एक और बहुत उपयोगी चीज हो गई, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम लोग अपनी कॉपी में ठीक से लिखोगे, चौथे नंबर पर। कौन बता सकता है गेस करके जल्दी से? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके आगे हम स्टार बनाने वाले हैं, किस चीज की खोज? जैसे आग की खोज, वैसे एक और चीज की खोज हुई जिससे मानव का विकास बड़ी तेजी से हुआ। आसमान तो था ही, आसमान तो मानव ने खोजा नहीं, खोजा पेड़ पौधे थे, ऐसी कौन सी चीज जो उसने एकदम खोजी? आपको पेड़ की लकड़ी याद है, तना लुढ़काया, उससे क्या? पहिया, पहिया बनाया उसने, ऐसा एक पहिया बनाया। लग रहा है पहिया ये? ये जो पहिए की खोज, पहिए की खोज, क्या कहो इसको, पहिया बनाया, कहीं था नहीं पहिया, पहिए को उसने बनाया, तो पहिया, पहिया बनाया। अच्छा, पहिया बनाने से क्या बन गया उसके पास?
एक ऐसे लकड़ी का लट्ठा था। लकड़ी का लट्ठा जानते हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं? पेड़ कटा हुआ था, ये बहुत मोटा था। जब उसको लुढ़काया तो लुढ़कने से वो उसको एक बिजली जैसे चमकी उसके दिमाग में। अरे वाह, ये आह, आह जानते हैं? आह क्यों कहते हैं हम लोग? जब कहते हैं, जब अब बहुत दर्द होता है या फिर बहुत खुशी होती है, आह, ये आह वाली फीलिंग जो होती है अंदर से, उसके खुश हो गया। अरे वाह, ये बन सकता है, हम इसको लुढ़का सकते हैं और लुढ़काने से चीजें हमारी दूर दूर तक ले जा सकते हैं। और पहिए से हमारा सारी मशीन, आज के युग की मशीनें बनी है। हर मशीन में एक पहिया होता है। आपने सबसे सिंपल मशीन तुमको बताए, हम आदमी ने बनाई, कुएं से पानी निकालते हुए देखा है? किसी ने देखा है? किससे निकालते हैं? बाल्टी से। हाँ, बाल्टी को ऐसे कुएं में हाथ में पकड़ते हैं बाल्टी और कुएं में डाल देते हैं, फिर रस्सी को बाल्टी में बांधते हैं। कुआं कहाँ होता है? बहुत गहरा नीचे होता है, जमीन के नीचे का जो पानी होता है उसको निकालने के लिए एक छेद किया जाता है, वो कुआं होता है। तो उसमें या तो घुस जाइए, आप घुस सकते हैं क्या? घुस सकते हैं, लेकिन फिर निकलने में बहुत मुश्किल होगी, या डूब ही जाए उसके अंदर। तो पानी निकालने के लिए क्या करते हैं? बाल्टी में रस्सी बांधते हैं और रस्सी ऐसे लटका देते हैं, ऐसे भी लटका सकते हैं। फिर जब आप उसको खींचेंगे तो वो बहुत भारी हो जाएगी। हाँ, जब पानी भर जाएगा और रस्सी ऐसे लटकी हुई है, जब उसको खींचोगे तुम लोग तो बहुत भारी हो जाएगा और फिर जो दीवार है उसे टकराएगा। समझ रहे हो? कुएं के सोच के देखो, सोचो कि कुआं है, उसमें हमने किनारे से ऐसे रस्सी लटका दी और उसको ऐसे ही पकड़ के खींच रहे हैं, तो खींचने में बहुत मुश्किल होगी, ताकत भी लगेगी और डर भी रहेगा कहीं आप उसमें गिर ना जाए। तो कुआं में रस्सी कैसे लटकाते हैं, किसी को आता है? देखा है किसी ने? किसने बना सकता है कोई यहाँ पे? समझ लो ये कुआं है, कुछ ऐसे कुआं बना हुआ है। ऐसे होता है कुआं गांव में? ऐसे कुआं बना है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे सीढ़ी बनी हुई है। अब बताओ क्या करें? रस्सी और बाल्टी मेरे पास है, रस्सी बंधी हुई, ये बाल्टी है, कैसे करते हैं इसको? जल्दी बताओ। ये तुम हो, अब तुमको रस्सी से खींचना है तो क्या करेंगे? ऐसे लटकाएंगे तो गिर जाएगा। तो कुआं कैसा होता है गांव में? नहीं, इसमें कुछ और होता है? ध्यान नहीं है आप लोगों को, ध्यान नहीं है। इसमें एक ऐसी सी डंडा लगा होता है ऐसे, और इसके अंदर एक ऐसे पहिया सा बना होता है, देखा है कभी? जो पहिया गड़ारी जैसे घूमता है। और ये जो आपकी बाल्टी है और जो रस्सी है, ये रस्सी इस पहिए के ऊपर से जाती हुई इसके अंदर जाती है, बाल्टी कुएं के अंदर, समझ रहे हैं? और ये पहिए के ऊपर से ये लड़की यहां पर खड़ी होके उसको खींचेगी। समझ में आया? लड़की की बड़ी बहन खींच रही है। ये गड़ारी के ऊपर से जब खिसकाएंगे तो आसानी से खिसकेगी, ऐसे घूमती जाएगी, और जब हम ऊपर खींचेंगे तो ऐसे घूमती जाएगी, वो पहिया आराम से खींच लेगा। आसान हुआ काम? बिल्कुल आसान हो गया। ऐसी जो ये मशीन, ये सबसे सिंपल सबसे सरल मशीन है पहिया। और पहिए ने हमारे आजकल के जितनी भी मशीनें, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें ये वाला ध्यान आएगा, कक्षा 3 का ये लेसन जिसमें तुमने पढ़ा था पहिए का आविष्कार, और पहिए के आविष्कार से आज की सारी दुनिया इस रूप में बन गई, ठीक है? तो ये 5-4 चीजें हैं सबसे जरूरी। अच्छा, एक और चीज ये हो गया, ठीक है? इसके बाद पांचवी चीज कहां बनाई है? चित्र यहां बना दे, पांचवी और छठी औजार, औजार बनाना। सबसे पहले औजार क्यों बनाया होगा उसने? पहले औजार आदि मानव के औजार कैसे थे, कैसे रहे होंगे? सोचो, शेर आ गया या कोई
जंगली जानवर आ गए, जंगली सुअर आ गए या जंगली भालू आ गया, तो उसको कैसे उसने भगाया होगा? आग नहीं थी जब, आग कब आई? आग तो बाद में आई है। देखो तीसरे नंबर पे आदिमानव ने, आदिमानव के औजार कैसे रहेंगे? पत्थरों से। वेरी गुड, शर्माने की क्या बात है, जोर से बोलो। पत्थरों से उसने मारा होगा उनको, उठा उठा के पत्थर मारे होंगे उसके ऊपर, भारी चीजें मारी होंगी, लकड़ी मारे होगा, डंडा मारा होगा। तो पहले के औजार पत्थरों के थे, और कैसे नुकीले पत्थर चुने होंगे उसने, मोटे पत्थर चुने होंगे उसने, बड़े बड़े मारने के लिए। बाद में जब तांबे की खोज हो गई, तांबा, आपको मैंने एक तांबा का दिखाया था, कटोरा दिखाया था ना, तांबे का कटोरा दिखाया था, तांबा और लोहा जब मिल गया तो औजार कैसे बनने लगे? तांबे और लोहे के मजबूत। और तांबे और लोहे के और क्या चीजें बनने लगी? बर्तन। वेरी गुड, समझ में आ गया है ना। पहले कच्चे खाते थे, बाद में जान आग आ गई, आग से मिट्टी के बर्तन पकाने लगे, जब तांबे की खोज हो गई, लोहा हो गया, तो उनके मजबूत बर्तन जो हमने दिखाए थे, ग्लास कटोरी, ऐसे बनने लगे। ठीक है, तो ये एक क्रम है, ये एक क्रम है जिसमें हमको मानव विकास की कहानी समझनी चाहिए। ये एक सबसे बेसिक इसका एक समरी है, जिस्ट है। ठीक है, तो तुम लोग इसको उतार लो, चित्र भी सुंदर सुंदर बनाओ, हाँ साथ साथ में इनके चित्र बनाओ, और इसको इसी प्रकार याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? हम क्वेश्चन पूछे तो याद हो जाएगा सबको? कुछ पूछ के देखें? नहीं, ये लोग क्यों नहीं बताती? बिल्कुल बताती, धीरे धीरे बताती। अब हमको इनको जोर से बोलना सिखाना है, जैसे हम बोल रहे हैं जोर से, वैसे जोर से। किस लिए डरते हैं? डर लगता है, डर लगता है ना सबके सामने बोलने में, तो इसका मतलब हम खराब हो गए। क्यों? हम गाना नहीं जानते तो हम खराब हो गए? नहीं ना, क्योंकि हमको कुछ और चीज आती है, तुमको कुछ और चीज आती है। तो सब व्यक्ति किसी से किसी चीज के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। नहीं बोलोगे तो जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पूछो, खूब पूछे, में किसी से शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक पूछो, तुमको हो सकता है तुम्हें कुछ पूछना हो और तुम्हें समझ में नहीं आया, और फिर बाहर जाओगे तो सोचोगे कि अब क्या करें, मुझे तो समझ में आएगा नहीं, है ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी जरूरत की चीज है किसी भी पढ़ाई में, और सबसे बड़ी चीज हमने इस मानव विकास की कहानी से सीखना चाहिए कि हमें सोचना और हिम्मत से काम करना और प्रश्न पूछना अपने आप से और दूसरों से भी। ठीक है, हाँ बेटा, जंगल झाड़ियों को पाऊं, ये कच्चा मांस, झाड़ियों, हाँ नीचे लिख लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब याद रहेगा, अगली बार हम इससे आपको पूछेंगे प्रश्न। ठीक है, समझ के आना एक दूसरे से बातें करके। ठीक है, थैंक।